सो हेलो और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ मोबाइल। जैसा कि दोस्तों हम लोग के पास रेडमी 6 और 6 इस टाइम फ़ोन आ रहा है और हम लोग अनलॉक टूल से उसका और बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें ऑथेंटिकेशन फेल्ड आ जा रहा है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो दोस्तों हम लोग इसकी प्रॉब्लम को देख लेते हैं। सो देखिए दोस्तों, हम लोग जैसे ही फ़ोन में डाटा केबल लगाते हैं तो यहाँ पे फ़ोन को रीड करता है, बट देखिए दोस्तों यहाँ पे जो लिख रहा है बाईपास ऑथेंटिकेशन, ये फेल्ड हो गया। देखिए दोस्तों ये फेल्ड हो गया। और आइए दोस्तों मैं इसकी प्रॉब्लम को आपको बता देता हूँ और मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसका सिंपली पासवर्ड रहेगा 123। दोस्तों मैं आपको एक बार और बता देता हूं, इसका पासवर्ड सिंपली 123 रहेगा। तो हम लोग इसके फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और एक्सट्रैक्ट करने के बाद दोस्तों हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे। इसको सिंपली रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू इंस्टॉल कर लेना है आपको। और देखिए दोस्तों हम लोग फटाफट इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। सिंपली आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। और यहाँ पे दोस्तों आपको फिनिश करके लॉन्च कर देना है। लॉन्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली नेक्स्ट कर देना है। और लॉन्च करने के बाद दोस्तों देखिए हम लोग का ये आ गया। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें आपका जो है ड्राइवर दिखाएगा, जो हम लोग जैसे ही डाटा पर लगाएंगे इसमें हम लोग का जो मीडिया टेक का ड्राइवर है वो इसमें शो करेगा। दोस्तों जैसे ही हम लोग का ड्राइवर शो करेगा हम लोग को सिंपली उस पर क्लिक करके और फटाक से हम लोग को इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है जिससे हम लोग का ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा। सो देखिए दोस्तों हम लोग का यहाँ पे मीडियाटेक का ड्राइवर आ गया है। अब सिंपली इस पर क्लिक करके हम लोग को इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। और देखिए दोस्तों हम लोग का ये जो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अब दोस्तों जो हम लोग का है वो काम हो गया। अब हम लोग कुछ नहीं करना है, अब सिंपली अनलॉक टूल को ओपन करना है। अब जो है कि दोस्तों अब हम लोग का ऑथेंटिकेशन फेल नहीं आएगा, अब सिंपली आपका ऑथेंटिकेशन बाईपास ओके हो जाएगा, जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गया है। आइए मैं आपको इस वीडियो में आपको दिखा देता हूँ। तो फटाफट से मैं अपने टूल को लॉगिन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। सो सिंपली देखिए दोस्तों हम लोग का टूल ओपन हो गया। अब आपको सिंपली यहाँ पे मीडियाटेक में आना है। मीडियाटेक में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सर्वर पे क्लिक करना है। सर्वर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको शाओमी सेलेक्ट कर लेना है। शाओमी सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सिंपली आपको 6 सेलेक्ट कर लेना है। 6 सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपका जो MI अकाउंट का फाइल है उसे आप सिंपली सेलेक्ट कर लें यहाँ से फाइल में जाके। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ऑथ बाईपास के ऊपर क्लिक करके सिंपली डाटा केबल इंसर्ट कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप ऑथ बाईपास पे बाईपास के ऊपर क्लिक करेंगे सिंपली आपका फोन रीड होगा और रीड होने के बाद दोस्तों आपका ये जो ऑथेंटिकेशन बाईपास है वो सिंपली ओके हो जाएगा। यानी देखिए दोस्तों हम लोग का ये जो बाईपास ऑथेंटिकेशन है ओके हो गया। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पे रीसेट MI अकाउंट MI क्लाउड के ऊपर क्लिक करके भी अपना MI अकाउंट हटा सकते हैं और आप फ्लैश के ऊपर क्लिक करके, मतलब फाइल सेलेक्ट करने के बाद फ्लैश के ऊपर क्लिक करके भी अपना MI अकाउंट हटा सकते हैं। तो हम लोग फ्लैश के ऊपर क्लिक कर देते हैं और देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने फ्लैश के ऊपर क्लिक किया मेरा फ्लैशिंग स्टार्ट हो गया।
और देखिए दोस्तों मेरा फ़ोन सक्सेसफुली फ्लैश भी हो गया। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो के ज़रिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।